सातिर चोरों के गिरोहों का पर्दाफाश, सात गिरफ्तार, उसमें एक महिला, उनके पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर, सोना चांदी बरामद। जनपद इलाहाबाद के कैंट थाना क्षेत्र में एक अधिवक्ता रहते हैं मोहम्मद यासीन। लगभग 20 फरवरी के आसपास अपने गांव ये गए थे किसी शादी में शरीक होने के लिए। घर को अकेला पाके चोरों ने इनके घर पे हाथ साफ कर दिया और लगभग 1.5-2 लाख रुपए के सोने के आर्नामेंट्स और तमाम कीमती चीज़ें ले गए इनके यहाँ से, और उसके साथ साथ एक लाइसेंसी रिवाल्वर था वो भी ले गए। लाइसेंसी रिवाल्वर जाने से घटना बहुत ही संवेदनशील हो गई थी। इस घटना को वर्कआउट करने के लिए क्राइम ब्रांच और थाना कैंट की दोनों टीमों को अलग अलग से बनाया गया था और SP क्राइम को इस घटना के अनावरण करने का दायित्व सौंपा गया था। पूरी मेहनत करके इन लोगों ने इस घटना का अनावरण किया है, जिसमें 7 मुलजिम ये पकड़े गए हैं, जिसमें जो वादी है यासीन, उनका एक दूर के रिश्ते का उनका एक भाई है दिलशाद, वो भी पकड़ा गया है। और सबसे खास बात इस गैंग की है कि इस गैंग में एक महिला भी शामिल रहती है, ताकि जब ये चोरी का सामान किसी दुकान पे आर्नामेंट या कुछ बेचने के लिए जाएं, तो लोगों को ये शक न हो कि ये चोर टाइप का कोई और आदमी है। परिवार होने से उनको ये आसानी से विश्वास होता है कि ये जेन्युइन अपना सोना बेच रहे हैं। जिन लोगों के यहाँ इन्होंने सोना बेचा था वो भी, उनके पास से भी रिकवरी की गई है। रिवाल्वर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस घटना में गई हुई रिवाल्वर है जो आपके सामने है, वो रिकवरी की गई है। ये पूरी टीम जो कैंट थाना क्षेत्र की टीम थी क्राइम ब्रांच, इसको मेरे द्वारा 10,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते थे कि किस घर में ताला बंद है या कौन सा घर ऐसा है जहाँ लाइट नहीं जल रही है। उसके बाद रेकी करते हुए उस घर को धीरे से 2-3 आदमी इनमें से ऐसे होते थे जो कि उस घर के बाहर खड़े रहते थे, और 1-2 आदमी ताला तोड़ के अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद बाहर वाले आदमी तो रेकी करते रहते थे, घूमते रहते थे कि कोई आदमी आ तो नहीं रहा है, और अंदर वाले अपना जो कीमती सामान है समेट के और उसके बाद ये वहाँ से रफ्त कर लेते थे। क्या पूरा मामला है?